आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम जस्ट सेइंग मुंबई में तो पॉलिथीन बैन है ना, इतना सारा सिर्फ एक पर्सन इज योर कल्चर लैंग्वेज इज कल्चर. घर का रेंट सो आई पेड समवेयर इन बिटवीन 35,000. मस्त वर्कआउट हो गया मेरा, झाड़ू पोछा इज डन, अब लग रहा है घर क्लीन, सांस आ रही है मुझे. बहुत ज्यादा गंदा था घर, इतना धूल मिट्टी प्रदूषण. अभी कुछ दिनों पहले तूफान भी आया था मुंबई में, उसी दिन मैं वापस आने वाली थी बट आई एक्सटेंडेड माय स्टे. तो बेसिकली मैं भोपाल इसलिए गई थी क्योंकि नियो जो मेरा डॉग है उसका ऑपरेशन होना था, आई का ऑपरेशन. इज अ ओल्ड डॉग, 9.5 ईयर्स हो चुके हैं उसको. मैं 10 दिन पहले वापस आ जाती बट आई एक्सटेंडेड माय स्टे ताकि ऑपरेशन के बाद जो पोस्ट केयर होता है ना वो मैं कर सकूं लियो का. ही इज डूइंग फाइन, उसके स्टिचेस लगे थे और स्टिचेस भी अभी निकल चुके हैं. अभी मुझे ना बहुत ज्यादा भूख लग रही है, सो मैं थोड़ा फैन में बैठूंगी, अपने आप को ठंडा करूंगी, खाना ऑर्डर किया वो खाऊंगी, एंड देन आई विल टेक शावर. उसके बाद मुझे कुछ टू डू लिस्ट मैंने बना के रखा है वो करना है, ग्रोसरी शॉपिंग करनी है. कुछ भी नहीं है घर में, थोड़ा ब्लिंकिट किया है मैंने. आई ऑर्डर सम ग्रोसरी फ्रॉम ब्लिंकिट. आई रियली लाइक दिस डोसा खाकरा चीज, सो आई गॉट दिस. दिस बादाम कोकोनट बर्फी टेस्ट सो गुड. फॉर सोर्स ऑफ प्रोटीन आई गॉट सम एग्स, दही, a protein cookie, some protein bar and milk. शाम हो चुके, आई टुक शावर, आई एम वेरिंग इंडियन टुडे. दिस चिकनकारी मसलिन कुर्ता, दिस इज फ्रॉम भोपाल. एक्चुअली भोपाल में एक लखनवी चिकनकारी सेंटर है, वहां से मैंने खरीदा है 10 नंबर से. गर्मी वेयरिंग दीज इयररिंग्स, मेकअप भी बड़ा सिंपल सा करा है मैंने. लास्ट थिंग विच इज लेफ्ट इज लिपस्टिक. फॉर दैट आई हैव 3 न्यूड लिपस्टिक ऑप्शंस. दिस इज बाय द ब्रांड स्टेज, दे आर रियली किलिंग इट विद देयर फॉर्मुला यू गाइस. उनका मस्कारा आई हैव यूज्ड, आई एम वेयरिंग देयर मस्कारा टुडे. दिस इज सो इजी टू रिमूव दिस मस्कारा, दिस इज ऑल्सो वाटर प्रूफ एंड दीज लिपस्टिक्स are so affordable and the formula is top notch. First I have Stays 9 to 9 Velvet Kiss Bullet Lipstick. The shade that I love the most is Brown Spice. This enriched in vitamin E. It is so comfortable on the lips and I love the color payoff. This comes in 6 different shades. Next shade is from the range Love Triangle 3-in-1 Lipstick in the shade 05 Truffle Blush. You get 3 unique shades in this lipstick. Ek shade maine niche apply kiya, dusra wala upar apply kiya. Dono ko mix kare to teesra shade reveal hoke aata hai. Such pretty color for everyday. It comes in 5 different shades to choose from. Lastly, I have Lips Don't Lie Liquid Lipstick in the shade 05 Coco Crush. I've been wearing this shade a lot lately. It has an ultra lightweight formula. It's enriched with jojoba oil. It looks absolutely stunning on my lips. It is also smudge proof. It comes in 12 different shades to choose from. Aur main ye wala shade aaj pehenne wali hu. It is really complimenting my makeup look and my outfit. Actually, tino shades hi kaafi compliment kar rahe the. These lipsticks can last up to 12 hours on your lips and they're quite affordable already. Aap mera coupon code bhi use kar sakte ho. Link aapko description box mein mil jayega along with some favorite shades from each range, so check the description box. And now let's go to supermarket. So this is the bag that I'll be carrying. This is my shopping bag. I'm also going to be carrying water bottle क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगती है और गर्मी कितनी हो रही है. इसको भरते हैं अंदर. Got my keys. Smelly cat keys. Let's go. I made it to Reliance Smart. बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी है, वो तो पता ही था मुझे. सबसे पहले मुझे हार्पिक लेना है, पीछे ही है हार्पिक. में ना ये बड़ा वाला मुझे मिल नहीं रहा है, सब छोटे छोटे वाला. ये वाला ना मुझे हिमाद्री ने इंट्रोड्यूस कराया था, बट देयर इज अ न्यू फ्रेग्रेंस. शुड आई गेट दिस और दिस? ये अच्छा लग रहा है वीडियो में. आई एम गेटिंग दिस. मैं आधे से ज्यादा चीजें ऐसी खरीदती हूँ, ये वीडियो में अच्छा लग रहा है ये ले लेते हैं. ये मैंने ऑनलाइन देखा था, यहाँ पे 100 रुपये और सस्ता है. आई मीन ऑनलाइन 15% ऑफ है, यहाँ पे 20% ऑफ है. सो आई एम गोना गेट दिस. आई वांटेड दिस एग्जैक्ट वन. आई थिंक आई गॉट एवरीथिंग दैट आई वांटेड. आई एम गोना गो टू काउंटर. लेट्स पे फॉर इट.
I'm back home, कपड़े बदल लिए हैं, wearing comfy clothes now. मैं आपको तुरंत हॉल करके बता दूँ क्या क्या मैंने लिया आज. मुझे सब्जियाँ फ्रेश नहीं दिखी थी तो वो मैंने खरीदा नहीं. ये तो बाथरूम का सामान है, लाइजर, हार्ड पेक, रूम फ्रेशनर वगैरह, टिश्यू बॉक्स ले लिया. और मुझे एपिगेमिया योगर्ट्स काफी पसंद है तो मैंने वो ले लिया. एंड आई गॉट दीज फ्लावर्स, रोज पिंक शेड के सन फ्लावर्स. कितना प्रिटी लग रहा है ना ये ऑन कैमरा में. सो इसमें ना ऐसा है कि चार खिला हुआ है और ये अभी खिलने वाला है टाइप का सिचुएशन है. और ये भी थोड़ा खिल रहा है. और पहले मुझे लगा कि कुछ डिफेक्ट है शायद, इसकी वजह से ये ऑफ में या जो भी है. बट देन ऑल ऑफ द फ्लावर्स वर लाइक दैट. ओरिजिनल प्राइस 1599 का है, 799 सेलिंग प्राइस था, पर उसके ऊपर भी कुछ ऑफर था तो ये 500 कुछ का पड़ा मुझे, विच इज अ स्टील डील. एंड आई गॉट दिस 199 के शॉर्ट्स, कच्चे खरीदे मैंने. एंड दिस ग्लास सोप डिस्पेंसर काफी अच्छा क्वालिटी लगा मुझे इसका, 149 रुपीज इसका प्राइस है. एंड दिस इज व्हाट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट. यू नो मैंने पढ़ा था कि प्लास्टिक बॉटल से आप पानी जब पीते हो ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट प्लास्टिक बॉटल स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग माइक्रो plastics and that can really imbalance your hormone and mess up your hormone. So abhi sare bottles to switch nahi kiye, dheere dheere karke thoda thoda acche acche quality ke bottles karke switch karungi main apne water bottles. Look who is here, all the way from Britannia. I don't know what I'm saying. Britannia saltanat se namaskar. Are kidhar kya bolte yaar, kidhar UK, United Kingdom, Glasgow, Scotland. Yes. कितना बज रहा है वहाँ पे अभी? अभी बज रहा है रात के शाम के 6 बजे. People were missing you, so I thought कि मैं आपकी शक्ल दिखा दूँ. ये देख लो, मेरी शक्ल बहुत ही weird out है. नहीं नहीं अच्छे लग रहे हो. हो गया कॉलेज सारा, असाइनमेंट कर लिया आज का, सब काम खत्म. By the way, परीक्षिता has went to Glasgow for MBA studies and he is about to finish it pretty soon. Like 4 months to go, no? Technically 3 but on paper 2. You don't know what to say na now. ये ऐसा लग रहा है मैं करण थापर को इंटरव्यू दे रहा हूँ क्या है ये? तो परीक्षित ने 2 शेर गजल पढ़े थे तो मैंने ऐसे रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे डाला था एंड पीपल लव्ड इट. सो परीक्षित उर्दू नॉलेज इज टू गुड. सो कुछ सुना दीजिए. शौकिया है सिर्फ. कुछ सुना दीजिए 2 लाइन सब्सक्राइबर्स के लिए प्लीज. लोग उस चीज में इंटरेस्टेड रहते भी है कि नहीं? बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा. अच्छा लग रहा है तो नो आई हाँ वो भी है कि सुन के अच्छा लगता है. एंड लोगों को जब यूनिक खासियत दिखती ना अबाउट समबडी लाइक ओ दिस इज समथिंग दैट दे हैव नेवर सीन मेनी पीपल डू, दे लव इट. नॉट मेनी पीपल आर इनटू शायरी एंड उर्दू लिटरेचर इन जनरल. और आई माइट बी रॉन्ग. ये बात है कि वो कल्चर हमारे साथ जा रहा है, हम उसको लेके नहीं जा पा रहे हैं. पर यू शुड कैरी इट लाइक दैट, दैट इज योर कल्चर, लैंग्वेज इज कल्चर. मैंने अभी रियलाइज किया परीक्षित ने मुझे बताया कि मेरी टी शर्ट गीली है, जो कि हो जाती थी कि स्किन केयर करने के बाद. एंड मैंने उसे कन्विंस किया कि हमें 2 लाइन सुना दे वो शायरी की. किसकी सुना रहे हो? हमारे फेवरेट है बॉब जॉन साहब, जो हमें दिया. सुनाइए ना. गजल भी पढ़ूंगा. एक एक ही मुजदा सुबह लाती है और धूप आंगन में फैल जाती है. फर्श पर कागज उठते फिरते हैं, मेज पर गर्द जमती जाती है. सोचता हूँ कि उसकी याद आखिर अब किसे रात भर जगाती है. और मैं भी इजना नवा गिर जाऊं, पैदली भी तो लभी लाती है. और अपने आप से हम सुखन रहना हम नशी सांस फूल जाती है. और क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है. और कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है. इज्न नवागिरी का मतलब होता है परमिशन टू सिंग. इज्न मतलब इजाजत होता है, परमिशन. इजाजत होता है कि इजाजत होता है? इजाजत, इसमें जा भी है और जा भी है. दैट्स इनफ परीक्षित. नहीं मुझे मौका दे. क्या मौका दे आपको? मुझे मौका दे 15 मिनट. मुझे 15 मिनट दे. मैं गजल तसल्ली से सुनने वाली चीज है. नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गजल, आई एम टॉकिंग अबाउट योर कैमरा प्रेजेंस. सारा फुटेज खाएंगे आप? मुझे भी कैमरा प्रेजेंस दे दो, अच्छे से पढ़ूंगा. अरे दिया तो हो गया बस. एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो देंगे हम आपको. हम आपको इजाजत देंगे फ्यूचर में. The next day. Good morning. This is the next day. So जब मैं यहाँ पे नई थी ना, my पड़ोसी has been taking care of my plants. मेरे छोटे छोटे plants हैं, 4-5 plants हैं मेरे पास. उनका care के लिए मैं अपने पड़ोसी को देके गई थी. And that's the first time I actually talked to her. And I'm gonna get my plants back from her. I told her I'll be back in 10 days, but it's been like
मोर देन 10 डेज 20 डेज के ऊपर हो चुके हैं. सो मुझे ना खाली हाथ नहीं जाना उनके घर. सो आई मेड दिस गुडी बैग फॉर हर जहाँ पे आई हैव एडेड बंच ऑफ स्किन केयर. आई ऑल्सो एडेड दिस दिया इन साइड दिस. आई एम ऑल्सो गोना एड दिस टू प्रोटीन बार. आई सीन हर गोइंग फॉर जिमिंग. सो ये दोनों प्रोटीन बार एंड शी ओन्स अ डॉग सिसु. सो मैं ये वाला ट्रीट डाल रही हूँ उसके लिए. दिस इज ऑल्सो माई वे ऑफ मेकिंग न्यू फ्रेंड्स. लेट्स गेट आवर प्लान्स. I'm back. She's so sweet. Her name is Shishti and unki dog ka naam Tingli hai. My plants, all of my plants are safe, sound and alive. Let's arrange them. There is this one plant which is left. Mujhe laga tha this is gonna die, but there is this new leaf that came jab main yahan nahi thi. So happy. Yay. Gonna make some space for that plant. Yahan rakhte usko. You stay here, okay? Look at my plants looking so beautiful. Ab main itni achhi plant mom nahi bani hu. Samay lagega mujhe, but I'm just so happy. It was a huge laundry day for me. काफी कपड़े मैंने धोए. अभी भी कुछ बचे हुए धोने के लिए. I booked in waxing appointment. वो 30 minutes में भी आएंगे. अर्बन कंपनी से मैंने बुक किया है. I need to get this sorted क्योंकि काफी लंबे लंबे बाल हो रहे हैं. Waxing is done, no hair for at least 2 weeks. कल जो मैं स्मार्ट बाजार से कच्छे लेके आई थी ना, आई एम वेयरिंग दैट. सी द क्यूट क्यूट से छोटे छोटे हार्ट्स बने. आई मेड माई सेल्फ सम कोल्ड कॉफी. बहुत ज्यादा गर्मी है तो मैं शाम को कोल्ड कॉफी पीऊंगी. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट पेइंग बिल्स. सो इस रेंटेड अपार्टमेंट का रेंट मैं हर महीने की 14 तारीख को पे करती हूँ, जो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ. जब मैं भोपाल में थी तभी मैंने पे कर दिया था इस घर का रेंट. सो आई पेड समवेयर इन बिटवीन 35,000 to 45,000 एक्चुअल रेंट में. अभी नहीं बता रही हूँ आपको, फ्यूचर में किसी वीडियो में बता दूंगी. सेकेंड, आई पेड सैलरी टू माई हेल्पर्स. जो रेखा दी और अम्मा है वो आती है घर में काम करने के लिए. रेखा दी कुक्स फूड फॉर मी, वो मेरे नाश्ता और खाना बनाती है. एंड अम्मा डस झाड़ू पोछा बर्तन. सो उन दोनों का मिला के सैलरी आई हैव पेड समवेयर बिटवीन 5,000. उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल इज समथिंग दैट आई गॉट अ पे. नॉट बैड. लास्ट में भी काफी एसी यूज हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल इज 3,800 के आसपास. ओके, नेक्स्ट वाईफाई कनेक्शन विच इज अराउंड 899. सो दीज आर मेजर खर्चा जो मेरा हर महीने होता है. इसके अलावा मैं घर में भी कुछ पैसे भेजती हूँ एंड देन मेरी सेविंग्स में भी कुछ पैसे डालती हूँ. हफ्ते में एक या दो बार मैं 20 लीटर का वाटर बॉटल मंगाती हूँ और मैं तभी की तभी उनको पे कर देती हूँ. वो 20 लीटर वाला बॉटल मुझे 100 रुपीज का पड़ता है. एंड जो भी ग्रोसरी आइटम मुझे लेना रहता है, कभी ब्लिंकिट कर लेती हूँ, कभी मार्केट जाके खुद ले लेती हूँ. फिर मैं मार्केट जाऊँगी थोड़ी बहुत सब्जियाँ खरीदने के लिए अभी शाम को. And that's all the culture I wanted to talk about in this video. And let's enjoy this cold coffee while enjoying this view. पास वाले बाजार जा रही हूँ मैं, उसी के रेडी हो रही हूँ. हल्का सा चीक्स पे टिंट अप्लाई कर देती हूँ. ऑलरेडी अप्लाई किया था मैंने, बट वो अब लाइट हो गया है. I'm just gonna deepen that up. And a new lipstick. And I'm all ready. Let's go. Guys, मैं घर के चप्पल पहन के आ गई. Realize भी नहीं किया मैंने. मुंबई में तो पॉलिथीन बैन है ना? सब चल रहा है. वाह. को फ्रेश कैसे रखेंगे? फ्रिज में पानी डाल के क्या? ऐसे ही हो जाएगा ना? कल तक हो जाएगा, शाम तक. कल शाम तक हो जाएगा. फ्रेश दे दो, वो जितने है ना उतने दे दो. मेरा थैला भारी हो गया बिकॉज ऑफ तरबूज. आई एम डन.
आई एम बैक होम और आती थी सबसे पहले मैंने बाथरूम में जाके पैर धोए और मैंने गलती से शावर ऑन कर दिया और पूरा का पूरा टी शर्ट मेरा गीला हो गया पीछे से. इट्स नॉट पसीना, इट्स पानी. ओके पर हाँ बाहर बहुत गर्मी है, ह्यूमिडिटी भी है. आई एम नॉट कम्प्लेनिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि क्या मौसम चल रहा है. मैं जब भी मुंबई लाइफ के बारे में कुछ बोल रही होती हूँ मैं कंप्लेन नहीं कर रही होती हूँ, मैं शेयर कर रही होती हूँ आप लोगों के साथ कि कैसे जी रही हूँ, क्या चल रहा है जीवन में, क्या कर रही हूँ मैं. बेसिकली आई गॉट अ न्यू प्लांट टुडे. दिस प्लांट इज कॉल्ड एग्लोनीमा प्लांट. इट्स अ वेरी गुड एयर प्यूरिफायर प्लांट. यू नो जब मैंने उनसे ये प्लांट खरीदा और मैंने उनको पैसे दिए सब, उन्होंने पैसे को लेकर अपने प्लांट को टच कराया और फिर उन्होंने ऐसे किया अपने पॉकेट में रखा. दैट वॉज सो स्वीट एंड क्यूट. आई एम सो हंग्री गाइज, लेट्स मेक सम फूड. आई एम गोना बी ईटिंग सैलेड टुडे. सैलेड होता है या सलाद होता है, आई डोंट नो. सिर्फ एक पर्सन के लिए है, मैं धीरे धीरे करके सब खा लूंगी मैं. ऑलराइट, सो दिस वाज द व्लॉग फॉर टुडे. आई रियली होप यू एंजॉयड वाचिंग टुडेस व्लॉग. अगर आप ऐसे और लाइफ इन मुंबई या इन जनरल व्लॉग देखना चाहते हो मेरे चैनल से, देन यू नो व्हाट टू डू. प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. डू कमेंट, आई लव टू रीड योर कमेंट्स एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. आई एम गोना सी यू गाइस प्रीसून विद द ब्रांड न्यू कॉर्निंग ऑन माय चैनल. बाय एवरीवन, टेक केयर.